बंगाल में ममता दीदी की चुनावी लड़ाई में एक मुद्दा नागरिकता कानून को रोकना था। बीजेपी विदाई निले संगे संगे एनआरसी बातिल करबो, क्या बातिल करबो और यूनिफॉर्म सिविल कोड बातिल करबो, ओटा दिल्ली राइट, आमरा दिल्ली ते सबाई मिले एटाके बातिल करबो जाते कोनो दिन मानुषेर अधिकार केड़े नीते ना पारे। लेकिन हुआ वही जो नरेंद्र मोदी ने ठाना था। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर लिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग है। सातवें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर उत्तर 24 परगना जिले में पड़ने वाले बारासात, बशीरहाट, दमदम, दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ने वाले डायमंड हार्बर, जयनगर, मथुरापुर, कोलकाता जिले में पड़ने वाले कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और जादवपुर में वोट डाले जाएंगे। 1 जून की इस वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे 8 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट दिया। बहुत खुश हो, पहली बार सर्टिफिकेट मिला मेरा, मेरे तो बहुत खुश है। धन्यवाद मोदी जी के, धन्यवाद अमित शाह। भारत की नागरिकता पाने वालों में सिर्फ एक विकास मंडल है जो नादिया जिले में रहते हैं। बाकी पश्चिम बंगाल में बसे अन्य 7 लोगों का ठिकाना उत्तर 24 परगना है, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी राजी हूं या नाराजी हूं, लेकिन उत्तर 24 परगना के सरबरी दास, मृणाल कांति दास, देव प्रसाद गईन, निलॉय घोष, अर्नब घोष, अनिर्बर नंदी, शांतिलता बिस्वास अब सीएए कानून के तहत भारत के नागरिक बन चुके हैं। अभी अभी हमने ये सीएए को लागू किया है। अभी भी ममता जी, कांग्रेस सब तो विरोध करे, कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे, ले सकते हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनको बहुमत मिलना है, ना सीएए वापिस जाना है। जो शरणार्थी आए, सबका अधिकार है इस देश का नागरिक तो, नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनका है। ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के वक्त, पार्टीशन का पाप भी कांग्रेस ने किया और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने करा है, नहीं कर सकते। नागरिकता कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ, सीएए पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, लेकिन विरोध के अधिकार के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिशें हुई। दिल्ली के शाहीन बाग में पूरा इलाका 101 दिनों तक आर्थिक गतिविधियों से पूरी तरह काट दिया गया। शाहीन बाग का यह मॉडल बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खड़ा करने की कोशिशें हुई, लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं थी, ये जिद थी, ये सांप्रदायिकता थी, ये उन्माद था जिसे लोकतंत्र का जामा जूड़ा पहनाया गया। और इस उन्माद की आड़ में मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग को संप्रभु देश की सरकार से भिड़ाने का खूनी खेल खेला गया। सोचिए, जिस सीए कानून का किसी भारतीय नागरिक के साथ कोई लेना देना नहीं था, आखिरकार इसे क्यों एंटी मुस्लिम कानून बताया गया? क्यों ये कैंपेन चलाया गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे? ये 100% वोट बैंक की ही राजनीति थी, इसलिए हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को एक तरह से भड़काने की कोशिश की गई सीए के विरोध के नाम पर। और हमने ये भी देखा कि एंटी सीए प्रोटेस्ट का बड़ा असर देश भर के मुस्लिम पॉकेट में देखने को मिला। आरोपों के मुताबिक ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को साधती रही है और इसलिए उन्होंने एक तरह
2012 से सीए के खिलाफ कसम खा ली। वोटिंग टाइम स्टार्ट दिसंबर 2019 में संसद में सीए कानून पास होने के बाद मार्च 2020 तक किसी न किसी रूप में विरोध और हिंसा का दौर देश ने देखा। इसके बाद मोदी सरकार के न झुकने और फिर कोविड के आ जाने की वजह से विरोध प्रदर्शन का खेल ठंडा तो पड़ा, लेकिन फिर भी सीए लागू होने पर एक लंबा ब्रेक लग गया। 4 साल से ज्यादा वक्त तक सीए के रूल तय नहीं हो सके। सरकार की दलील ये कि देरी कोविड की वजह से हुई और आखिरकार इस साल 11 मार्च को सीए के रूल घोषित किए गए। एन चुनाव से पहले सीए को लागू करने का फैसला अपने आप में बेहद खास, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता चुनाव बाद सीए को खत्म करने की कसम खाते हैं। सीए को रद्द करना कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। एंड और रिव्यू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लॉज। यू आस्क मी व्हिच आर द 5 लॉज दैट विल बी रिपील्ड। आई एम रीडिंग दैट पोर्शन। रिपील 5 लॉज। 1, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इट इज टॉप ऑफ द लिस्ट। 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. सीए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देता है। सीए का कानून भले ही मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन इस तरह के कानून की जरूरत दशकों से थी। विभाजन का घाव भरने के लिए 1950 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और अधिकार देने का समझौता किया, लेकिन नेहरू लियाकत नाम से जाने जाने वाला समझौता पाकिस्तान की दगाबाजी की वजह से विफल हुआ। अब 7 दशक बाद जब सीएए कानून बना तो देश की राजनीति ने इस कानून को विफल करने की कोशिश की, जबकि तीनों इस्लामिक पड़ोसी देशों में लगभग मिट गई अल्पसंख्यक आबादी के आंकड़े बताते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, वहां अल्पसंख्यकों का किस हद तक उत्पीड़न हुआ। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय देने का मोदी सरकार का हौसला विपक्ष के कुछ नेताओं की राजनीति के आड़े आता है। সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। 15 মই কো সিএ কি দিল্লি কি এম্পাওয়ার্ড কমিটি নে নাগরিকতা সার্টিফিকেট বাটে। 29 মই কো পশ্চিম বঙ্গাল, হরিয়ানা আর উত্তরাখণ্ড কি এম্পাওয়ার্ড কমিটিজ নে ভারত কি নাগরিকতা কো মঞ্জুরি দি। দিল্লি সে লেকার বঙ্গাল তক সিএ কে তহত ভারত কি নাগরিকতা দি গই, লেকিন না তো কিসি ভারতীয় মুসলমান কি নাগরিকতা ছিনি, ना कोई डिटेंशन कैंप भेजा गया। तो जाहिर तौर पर सीएए का लागू होना, खास तौर पर बंगाल में लागू हो जाना, ममता बनर्जी की राजनीति को आईना दिखाता है। ममता जी खुलेआम विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा खून का एक कतरा बाकी, जितना समय रहेगा हम किसी भी हालत से सीए लागू नहीं होने देंगे। देखिए ये केंद्र का कानून है, इसमें कोई राज्य का कुछ करने का नहीं है, और ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये सीए कैंपेन फेल किया है, फ्लॉप किया है, तो नहीं तो 800 होता, 8000 होता, 8 लाख होता, तो 8 कैसे हुआ इतने कैंपेन के बाद, तो ऑलमोस्ट 100% रिजेक्टेड। सीए लागू होने को लेकर टीएमसी की दलील चाहे जो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये कि इसे कोई झुठला नहीं सकता। 4 जून का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन सीए पर संसद की मोहर है। इसे रद्द करने के लिए संसद की मोहर चाहिए होगी, जो आसान नहीं। बंगाल में विकास मंडल जैसे शरणार्थी भारत के नागरिक हैं, उनका अधिकार बिल्कुल भी नहीं छीना जा सकता। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
हालांकि ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन बेसब्री गजब की। 4 जून को फाइनल नतीजों के आने से पहले अभी 1 जून का घमासान बाकी है, लेकिन अलग अलग खेमों से दावे खूब हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उसकी लहर है, तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तूफान आएगा। सवाल ये, अगर मोदी 3.0 आएगा, कौन उड़ेगा, कौन बचेगा? इंडिया गठबंधन के बैनर तले तिनका तिनका जुड़ी पार्टियां क्या बिखर जाएंगी? राहुल गांधी का क्या होगा? अखिलेश का फिर किनारा कर लेंगे? तो किसी की साख दांव पर है, इससे भी ज्यादा उनकी पार्टियों का सियासी भविष्य दांव पर। देखिए सवाल पब्लिक का, मैं आज की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। जून के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे। 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। इसे जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 24 के महाभारत के चक्रव्यूह में जब 7वें और अंतिम व्यूह की लड़ाई है, जब भविष्यवाणियों का सस्वर पाठ हो रहा है, जब दावों के झरने फूट पड़े हैं, तब कई नेता हैं जो अपने अपने ठीहे में बैठे 4 जून के दृश्य को संजय बने देख रहे हैं। इंडी गठबंधन कहता है मोदी सरकार तो गई, एनडीए कहता है मोदी की सुनामी में इंडी उड़ जाएगा। सवाल यह है कि मोदी 3.0 लौटा तो कौन किधर जाएगा? 24 के समर में 7वें और अंतिम चरण का प्रचार थम चुका है, रथी और महारथी अपने अपने खेमे में है। प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर 24 घंटे की ध्यान यात्रा में है, जिसको लेकर कोहराम भी विपक्षी तंबुओं में है। सब कह रहे हैं कि 4 जून को कुछ बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? इसी प्रश्न के उत्तर में कहीं शून्य गिरता है और मंझे हुए सियासी चेहरे निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि पेट में हवा भर के दावे करना एक बात और जमीन पर उन दावों का हकीकत के साथ मुठभेड़ करके सच में बदलना दूसरी बात। कई सवाल हैं जो 4 जून को लेकर हैं, जैसे मोदी 3.0 आया तो इंडी गठबंधन का क्या होगा, राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, अखिलेश राहुल के दोस्ताने का क्या होगा, क्या कांग्रेस में लीडरशिप शिफ्ट होगी, और तेजस्वी और ममता की राजनीति का क्या होगा? 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे, बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। इस बार विपक्षी गठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि किसी भी कीमत पर मोदी 3.0 की वापसी न हो। जोर लगाना जरूरी भी है और वक्त की दरकार भी, क्योंकि चाहे 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर होकर छटपटाती कांग्रेस हो या यूपी में उसकी बैसाखी बनी समाजवादी पार्टी,
दोनों के लीडर्स के लिए दर्द करीब करीब 10 साल वाला ही है। और अगर मोदी 3.0 की वापसी हुई तो जो मोदी कह रहे हैं उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन और भी कई चेहरे हैं जिनके लिए 4 जून वाली चिंता बड़ी है। तो 4 जून के बाद की चुनौतियां किसके लिए कौन सी हैं? राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है पारिवारिक विरासत और पार्टी को बचाने की और अपने नेतृत्व पर उठते सवालों का जवाब देने की, क्योंकि चुनावों से पहले ही टूटती कांग्रेस की तस्वीर चेतावनी दे चुकी है। ऐसे ही अखिलेश यादव के लिए चुनौती है राजनीतिक विरासत को बचाने की। प्रियंका गांधी के लिए चुनौती है कांग्रेस के भीतर अपने पोजीशन को बनाने की। तो बिहार में तेजस्वी यादव के लिए चुनौती सूबे की राजनीति में RJD की प्रासंगिकता बनाए रखने की है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की चुनौती है खुद की साख और सियासत को बचाने की। तो वहीं उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती खुद को बाला साहब का असली झंडा बरदार बताने की है और उसे सिद्ध करने की। तो ममता दीदी के सामने बड़ी चुनौती होगी बंगाल में अपने दरकते किले को सुरक्षित करने की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय BJP, गुड बाय नरेंद्र मोदी टाटा। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसे बड़े मान मनवल के बाद समाजवादी पार्टी का साथ मिला है। वरना भारत जोड़ो यात्रा के बाद जमीन से 3 इंच ऊपर चल रहे कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में अखिलेश कहते साइकिल से हाथ फेर लिया था। वैसे अगर देखें तो चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, सवाल दोनों की लीडरशिप को लेकर एक जैसे हैं। और 2024 के चुनाव में दोनों को जवाब उन्हीं के सवालों का देना है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पिछले 6 साल में 5 चुनाव हार चुकी है। इनमें 1 लोकसभा, 2 विधानसभा और 2 निकाय के चुनाव शामिल हैं। इस सच्चाई को अखिलेश भी बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि 4 जून के बाद वो अपने लिए सुनहरे दिनों की आस लगाए बैठे हैं। 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी बल्कि BJP के मित्र मंडली बदलेगी। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अखिलेश वाला हाल ही राहुल गांधी का भी रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को जन नायक के तौर पर पेश करने की खूब कोशिश की है। लेकिन अगर मोदी 3.0 फिर से आया तो एक बार फिर कटघरे में राहुल और उनका नेतृत्व होगा। भले ही अध्यक्ष की कुर्सी पर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को ही आगे रखा जाना है। राहुल के चेहरे पर कांग्रेस 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव तो हार ही चुकी है। राहुल का नया अवतार 2022 में गुजरात और UP के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया को पार नहीं लगा सका था। इतना ही नहीं, 2023 के 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपनी सरकार गंवा चुकी है और मध्य प्रदेश में भी राहुल तमाम दावों के बाद कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर सके। 4 जून को राहुल गांधी की जातीय गोलबंदी पर कसी राजनीति के साथ ही उनकी राजनीति का भविष्य भी तय होगा, जो 2024 के चुनाव में सपनों की लिस्ट के साथ कुछ नया करने उतरे हैं। राहुल भी दावा 4 जून के बाद ड्रामे का करते फिर रहे हैं। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद
हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग। लेकिन सवाल नौ मन तेल का है। लिस्ट तो तब बनेगी जब 2014 और 2019 वाली हवा से अलग कोई हवा चलेगी। फिलहाल कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अलग कहानी तो नहीं कह रहा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राहुल गांधी को अगर अपने नेतृत्व को स्थापित करना था तो उन्हें अमेठी से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होता। बहरहाल 4 जून को राहुल की लीडरशिप और लॉन्चिंग दोनों की अग्नि परीक्षा तय है। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मोदी 3.0 को लेकर बातें तूफानी हैं। वैसे पीएम मोदी भी चुनावी मंचों से ये कहते रहे हैं कि मोदी 3.0 तूफानी होने वाला है, खासकर शुरू के 6 महीने। अब अगर मोदी 3.0 आता है तो 4 जून के बाद क्या ऐसा होगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन सांसें कईयों की अटकी हुई हैं, खासकर उनकी जो बड़े घोटालों में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी राजनीति से लेकर छवि तक दांव पर है। तेजस्वी नौकरी के बदले जमीन के मामले में आरोपी हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। दोनों ही ईडी की जांच के दायरे में हैं। केजरीवाल तो बड़ी मुश्किल से जमानत पर बाहर आए हैं और 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जाना है। पीएम मोदी चुनावी मंचों से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। इस चेतावनी के लपेटे में केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव तक है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ऐसी ही चेतावनियां और इरादे मोदी 3.0 की वापसी को लेकर विपक्षी दलों के दिलों को बिठा रही हैं, क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं कि मोदी 3.0 पहले के 2 दौर से ज्यादा प्रचंड और प्रैग्मेटिक होगा। मिस्टर क्लीन की छवि लेकर सियासी मैदान में कूदे केजरीवाल चुनावी प्रचार के नाम पर तिहाड़ से जमानत पर बाहर आने के बाद भी अगर दिल्ली में झाड़ू नहीं घुमा पाए तो राजनीतिक भविष्य और छवि दोनों के लिए अलार्मिंग होगा। इसका असर 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। उनकी इतनी हिम्मत, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को चैलेंज करके गए हैं। कल अमित शाह बोले 4 जून के बाद आपने जो सरकार चुनी है, पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जो सरकार चुनी है उसको बर्खास्त करके आपके मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। इतनी तानाशाही हो गई इन लोगों की। वैसे 4 जून के परिणाम वास्तव में एक संकेत देंगे, वो ये कि देश के भीतर बीजेपी की तरफ से सेट किए गए नैरेटिव परिवारवाद बनाम लोकतंत्र की लड़ाई में मैंडेट किधर के लिए है। विपक्ष के मुद्दे भले ही अलग हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक ये आरोप लगाते रहे कि INDIA में शामिल पार्टियों का जमघट
दरअसल कभी सत्ता से जुड़े रहे परिवारों का जमघट है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों को परिवारवाद बनाम लोकतंत्र की लड़ाई बताते रहे। सवाल उठता है कि क्या 4 जून को मिलने वाला जनादेश परिवारवाद बनाम लोकतंत्र पर होगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टिकरण वाली राजनीति, सनातन को गाली और राम मंदिर से दूरी का इंडी गठबंधन का सियासी कॉकटेल कितना असरदार है, ये 4 जून को पता चलेगा। संकट सिर्फ कांग्रेस और उसकी लीडरशिप के लिए नहीं होगा, बल्कि एक परिवार के तहत चलने वाली तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक को MY समीकरण के अलावा कुछ और खोजना होगा। बंगाल में ममता दीदी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी। हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर अलग राह पर निकले उद्धव ठाकरे एंड फैमिली के लिए भी मोदी 3.0 के फिर से आने का मतलब गहरा होगा। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की प्रासंगिकता बनाए रखने को लेकर। तो वहीं 4 जून के परिणाम एक तरह से सनातन पर जहर उगलने वाले चेहरों के साथ खड़े कथित सेक्युलर नेताओं का भविष्य भी बांचेंगे। जो भी हो, पर 4 जून को अगर मोदी 3.0 की वापसी होती है तो विपक्ष के ध्वस्त किलों का उठ खड़ा हो पाना और भीतर की बगावत से बचना मुश्किल तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। करीब 2 महीने तक लंबा चला चुनाव प्रचार आज थम गया। करीब 60 दिन में पीएम मोदी ने 153 रैलियां की, इसके अलावा रोड शो की, मीटिंग्स की, इंटरव्यू दी। 2019 के मुकाबले पीएम मोदी ने इस बार ज्यादा रैलियां की। 5 साल पहले उन्होंने 142 की। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों के बीच रहे, एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त करते रहे। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी ने कैसे हवा का रुख बदला, यह आपको इस रिपोर्ट में बता दें। जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। ২০২৪ का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र में 60 दिनों की मोदी मार का चुनावी सियासत का यह सारांश है, जिसमें आत्मविश्वास है, दूरदर्शिता है, प्रतिबद्धता है, आक्रामकता है और 74 वर्ष के इस सियासी योद्धा का राष्ट्र और राष्ट्र की सत्ता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 24/7 for 2047। 31 मार्च की तारीख थी जिस रोज भगवा राजनीति का ये पुरोधा इस वोट युद्ध में उतरा था। जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्चता की वचनबद्धता दोहराने वाले इस सियासी सूरमा के तरकश में तरह तरह के शाब्दिक तीरों की भरमार थी। शुरुआत हुई थी विकसित भारत, तीसरी अर्थव्यवस्था और भव्य राम मंदिर के संकल्प की सिद्धि से।
लेकिन जैसे जैसे चुनावी रैलियों की तीव्रता बढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की मारक क्षमता बढ़ती गई। मुस्लिम लीग से बात बढ़ी, संपत्ति बंटवारा, ओबीसी आरक्षण, संविधान, फर्जी वीडियो और राम मंदिर पर बुलडोजर से होते हुए वोट जिहाद, पाकिस्तान, परमाणु युद्ध, नागरिकता कानून से लेकर कूड़ा करकट और कचरा तक का जिक्र हुआ। एक एक मुद्दे पर चुन चुन कर पीएम मोदी ने अपने शब्द बाणों से सियासी शत्रुओं को परेशान किया। 31 मार्च से लेकर 30 मई तक पीएम मोदी ने 153 रैलियां की। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू और त्रिपुरा से लेकर ओडिशा तक लोगों के बीच पहुंचे। रैलियों के बीच समय निकालकर शाम में 21 शहरों में रोड शो किया। तमाम टीवी चैनल्स, एजेंसीज और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए। बिना थके, बिना रुके, तपती दोपहरी में रैली दर रैली करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने प्रारंभ किया था देश के सबसे बड़े सूबे के शहर मेरठ से। 31 मार्च 2024, जगह मेरठ, उत्तर प्रदेश। अयोध्या के बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हिंदुस्तान के प्रधान मेरठ पहुंचे। सिल्वर स्क्रीन के राम के लिए वोट मांगे, अरुण गोविल के लिए वोट मांगते हुए पीएम मोदी ने देश को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर महाशक्ति बनाने की प्रतिज्ञा दोहराई। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। ২০২৪ का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। तब प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में तीसरे सबसे बड़ी इकॉनमी की गारंटी दे रहे थे। राम मंदिर और तमाम मुद्दों को हथियार बनाकर विपक्ष पर नश्तर चला रहे थे। राम मंदिर से विपक्षी नेताओं की दूरी को लेकर अपने समर्थकों को संदेश दे रहे थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। इन्हीं चुनावी रैलियों के बीच 5 अप्रैल को कांग्रेस ने जैसे ही अपना घोषणा पत्र जारी किया, अगले ही दिन पीएम मोदी के शब्दों में तल्खी बढ़ गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री मोदी जब कांग्रेस को मुस्लिम लीग के समानांतर खड़ा कर रहे थे, उसी वक्त तेजस्वी यादव की मछली खाते तस्वीर वायरल हुई। पीएम मोदी ने सधे हुए शब्दों में नवरात्र में मछली खाती तस्वीर की कुछ यूं विवेचना की। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग तक मोदी विरोध गठबंधन के नेता जाति के आसरे मुकाबला कर रहे थे। बार बार जातीय जनगणना का वादा दोहराने वाले राहुल गांधी ने सबकी संपत्तियों के एक्सरे की बात की। उनके कथित सियासी गुरु सैम पित्रोदा ने पुश्तैनी संपत्ति पर टैक्स का जिक्र किया, तो पीएम ने कुछ यूं कांग्रेसी सोच की व्याख्या की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे,
उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। पीएम मोदी का अंदाज बहुत बदल चुका था, उनके भाषण में सख्ती बढ़ गई थी, यहीं से विरोधी घिरते चले गए। वो कांग्रेस को उसी के मुद्दों पर घेर कर प्रचंड प्रहार कर रहे थे। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सिर्फ विरासत टैक्स नहीं, संविधान खत्म करने वाले विपक्षी आरोपों को पीएम मोदी ने अपने हिसाब से 180 डिग्री पर घुमा दिया। आरक्षण को लेकर ऐसा ब्रह्मास्त्र दागा विरोधियों पर कि पूछिए मत। आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक खेल आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर पीएम ने जातीय आरक्षण को जिस अंदाज में धर्म से जोड़ा और वो नई लकीर खींचता चला गया, मोदी विरोधियों के लिए ये भारी पड़ता रहा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इसे और आक्रामकता के साथ मोदी पेश करते रहे। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया। अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। तब तक उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेता पीएम मोदी को परास्त करने के लिए वोट जिहाद का जिक्र कर चुके थे। जैसे ही मुसलमानों की गोलबंदी की कोशिशें शुरू हुई, पीएम मोदी ने भगवा लकीर को और बड़ा कर दिया। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।